अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं पाक 99 न्यूज HD और मैं हूं आपकी होस्ट नायला भट्टी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और शामिल करते हैं इस वक्त तक की अहम खबरें। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिमी फिशरीज ऑफिस के सामने। ये गेट आपको नजर आ रहा है, ये फिशरीज डिपार्टमेंट का गेट है। इसके सामने यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जिब्रान साबिर वहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं तफसीलात। जी जिब्रान साबिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिमी फिशरीज ऑफिस के सामने। ये गेट आपको नजर आ रहा है, ये फिशरीज डिपार्टमेंट का गेट है। इसके सामने यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। अब तो तेरी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिमी फिशरीज़ ऑफिस के सामने, जहाँ पर आज अक्तो तहरीक की जानिब से धरना दिया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं अक्तो तहरीक के कुछ कारकुनान, उनसे बात करेंगे। कब तक इन लोगों का धरना जारी रहेगा, इनके मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे हैं? पहले भी इन लोगों ने काफ़ी मरतबा धरने दिए थे लेकिन ताहाल इनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अच्छा, ये क्या मसला है कि बार बार आप लोग धरने देते हो, आप लोगों के मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे? हमारे मसाइल तो हल न कानूनी करार दिया जाता है। सन 1971-72 के दरमियान जो एक आइन पास हुआ था असम्बली से, गोस्वश बीजन जो साहब ने जो पास किया था, उसके तहत के बलूचिस्तान के 12 नाटिकल के अंदर गैर खैर बी नंबर भी समंदर में काम नहीं कर सकते। इसके अलावा जो के टालर माफिया है और जो बहुत से ममालिकों में ये गैर कानूनी इसको करार दिया गया है बैनुल अक्वामी सतह पर। तो मैं यहाँ हैरान हूँ कि ये जो गैरकानूनी अमल है वो यहाँ पे हो रहा है ना, इसके रोकथाम के लिए फिशरीज डिपार्टमेंट जो बनाई गई वो नाकाम है। अगर मैं देखता हूँ तो कोई सेक्रेटरी वगैरह या चीफ सेक्रेटरी कोई एक्शन ले तो वो भी नाकाम है। हुकूमतें आती हैं बलूचिस्तान में, वो भी नाकाम हो जाते हैं। आखिर मसला क्या है? तो मैं कहता हूँ जिस चोरी को रोकने के लिए खुद रियासत नाकाम है तो मैं क्या जवाब मांगूं, किससे मांगूं? लेकिन मैं इस जवाब को नहीं मानता कि रियासत इनको पकड़ नहीं सकता। रियासत इनको पकड़ सकता है, ये कोई जवाब नहीं। कभी पिछड़ी वाले कहते हैं, कभी कोई कहता है कि हम इनके आगे बेबस हैं माफिया के आगे। यार मैं हैरान हूँ, अगर गवर्नमेंट चोर के आगे बेबस है तो ऐसी गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या है? छोड़ें हुकूमत को, हमने सोचा था कि चलो भाई निगरान हुकूमत आएगी, ये कुछ ना कुछ करेंगे, अनवर काकड़ साहब कुछ करेंगे, वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब कुछ करेंगे या हमारे मुराद अली डुमकी साहब कुछ करेंगे। लेकिन मैं इनको जब देख रहा हूँ तो ये ऐसे, इनके तो उनके हाथ तो आगे से बांधे हुए थे, अभी मुझे महसूस हो रहा है निगरान हुकूमत की हाथें पीछे से बांधे हुए हैं। यार मैं हैरान हूँ, ये कोई ने शहरियों को तहफ़ात नहीं दे सकता, उनको रिलीफ नहीं दे सकता, उनके तहफ़ात नहीं पूरे कर सकता, यार उनके मामलातों को हल नहीं कर सकता। ये कैसी ऐसी निगरान हुकूमत होने से तो ना होना बेहतर है। और इदारों की ये जवाब मैं नहीं मानता कि हम इनको पकड़ नहीं सकते, हम इनको ला नहीं सकते। खुद इदारे ये तस्लीम करते हैं कि इनको यहाँ इनको पास असले मौजूद हैं। यार किसी के पास असला है वो गैरकानूनी है, वो चोरी करता है, उसको पकड़ नहीं सकते। लेकिन जब हम इदारे, मैं एक बात पे तो हैरान हूँ, मैं देसी गवादर को कहना चाहता हूँ और यहाँ की इंतज़ामिया SSP है या DIG जो भी है उनको कहना चाहता हूँ, यार चोरों के खिलाफ जब हम धरने पे या एहतजाज करने निकलते हैं तो हमें कहा जाता है आपने NOC ली है। यार मैं हैरान होता हूँ, चोरों के खिलाफ धरना देने के लिए अगर हमें NOC चाहिए तो क्या हम ये समझें कि यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ की जो कि पुलिस है भी एरिया की, यहाँ की कोस्ट गार्ड है, यहाँ की MSA है, फिशरीज है, ये सिक्रीट वगैरह सब कुछ है, क्या ये इन चोरों के NOC दे रहे हैं कि यहाँ के चोरी करें, हमारे समंदर को ताराज करें? अगर ये गैरकानूनी नहीं है तो आप लोग असम्बली से बिल पास कर क्लियर करें। हम भी यहाँ ने भाई चलो यहाँ टाला रंग करना, यहाँ गुज्जा करना गैरकानूनी नहीं है। एक तो आप लोग खुद अपने असम्बली में चिल्ला चिल्ला के कहते हो कि ये गैरकानूनी अमल है, ये गैरकानूनी, उसके बावजूद इनको रोकथाम के लिए आए रोज हम लोग वीडियो भी बना रहे हैं। यार यहाँ अब्तलार जो कि हमारा शहर है, जो जजीरा है, होता तो यहाँ की बस यही जजीरा हमारे यहाँ पसीनी के इलाकों के लिए मुआश के लिए काफ़ी होता, बैनुल अक्वाम
में जितने भी ममालिक हैं वहाँ ऐसे खूबसूरत जजीरे हैं, वहाँ के लोगों को देखो, वहाँ की लोगों की सहूलतों को देखो। हमें तो बदकिस्मती से यहाँ पानी भी नहीं मिलता, लेकिन हमारे पास जो समंदर बचा हुआ है, हम कहते हैं वहाँ हम जाके अपना मुआश तलाश करेंगे। वहाँ भी डाकुओं को लाके खड़ा किया गया, अगर इनको रोका नहीं गया तो हम नहीं दे रहा है। लिहाजा अगर रियासत हमें अपना शहरी समझता है, माहीगीरों को अपना शहरी समझता है, तो फौरी तौर पर टालर के खिलाफ एक्शन लें, इनको रोका जाए। उनको रोका नहीं बल्कि इनको जब्त, और हम मुतालबा करते हैं हमारे आइनी कानूनी अदलिया से कि वो लोग इनको पकड़ते हैं, लोग किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर ये वो करके इनको पकड़ लेते हैं एक दो, तो फिर वो भी यहाँ आकर एक महीने के अंदर दो महीने के अंदर आसानी से छूट जाते हैं। आइन भी ऐसे बनाए गए हैं कि वो माहीगीरों के खिलाफ है, माहीगीरों के हक में तो नहीं है। मैं इनको नहीं मानता, अगर ये मिजाज है तो फिर अभी जालिब का शेर क्लियर है इनके सामने। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अच्छा, एक तरफ आप लोग कहते हो कि फिशरीज़ डिपार्टमेंट बेबस और लाचार है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, उसको अथॉरिटी नहीं है उनको पकड़ने के लिए, और दूसरी तरफ आप लोग फिशरीज़ के दफ्तर के सामने ही एहतजाज करते हैं, क्यों? मैं इस बात को नहीं मानता। ये तो फिशरीज़ का कहना है मैं बेबस हूँ, मेरे पास मजिस्ट्रेट पावर नहीं है, लॉ नहीं है, मैं इनको मार नहीं सकता, इनको पकड़ नहीं सकता, ये मुझे मारते हैं, हमें ये करते हैं, हम पर हमला करते हैं। मैं हैरान हूँ कोई छोर गवर्नमेंट के इदारे पे हमला करता है, फिर इदारा उसकी रोकथाम के लिए नाकाम है, उसको पकड़ नहीं सकता, अपने दिफा के लिए उसके ऊपर फिर फायरिंग नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता। यार ये तो जवाब ही नहीं बनते। खैर वो तो खुद यही कहते हैं, मैं नहीं कहता, वो फिशरीज़ वाले कहते हैं कि हमारे ये तहफ़ुज़ात